पधारो जी मारे देश रे, पधारो मारे देश। वाह, क्या बात। 3, 2, 1 अवध एक्सप्रेस फ्रॉम बरौनी टू बांद्रा टर्मिनल वाया कानपुर इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। यात्री जन कृपया ध्यान दें, गाड़ी सही है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ टू ट्रेवल गोरखपुर जंक्शन टू बड़ोदरा जंक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि प्रताप सिंह। आपको एक छोटी सी जानकारी के रूप में बता दूं, गोरखपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 05 पे यह ट्रेन रुकती है, क्योंकि ट्रेन का नंबर है 19038 अवध एक्सप्रेस, जो कि बांद्रा के नाम से जाना जाता है। मैं ये भी फिलहाल ट्रेन खाली है, धीरे धीरे भरेगी, मुझे लग रहा है लखनऊ तक आते आते पूरा भर जाएगा। अपनी कोच ऊपर है और गोरखपुर से चली तो जाहिर सी बात है खाली, यहाँ के पैसेंजर आ गए हैं, बाकी सब चल रहा है ऐसे ही। बाहर का कुछ इतना से नजर आ रहा है, आई थिंक टेम्परेचर 20 है। अभी 50 मिनट लेट थी ट्रेन, ये आपको भी बताते हैं। थोड़ा सा हम लोग लीलावास से निकल दिया, एक्चुअली प्लान था गोरखपुर से निकलने का, बट ड्यू टू शेड्यूलिंग प्रॉब्लम फिर मगर में शेड्यूल हुआ, फिर सेजरा में शेड्यूल हुआ, देन फाइनली प्लान बन गया कि लीलावास में ही पिकअप करेंगे। अब यहाँ से चलते हैं सीधे आपको बस स्टैंड। लो भाई, वेलकम है बस्ती, उसके बाद बस्ती दूसरा बड़ा स्टेशन। और फिलहाल टाइम हो रहे हैं 7:28 और फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं बस्ती। ऑन टाइम तो नहीं है, बट कोशिश है कि रात में कवर कर देंगे ऑन टाइम। एक्चुअली जब मैं आ रहा था दिल्ली से, तब भी मैं आपको बताया था ट्रेन ऑन टाइम नहीं थी, बट रात में कवर कर लिए और टाइम से पहले घंटा पहले। सब रात से बच गया है, एक्चुअली नीचे बैठा था तो नीचे कुछ गुजराती फैमिली आ गई, बातों से ऐसा लग रहा है। अभी फिलहाल ऊपर आ गया हूँ और यहाँ भोजन कर रहा हूँ और आपका कोच का सिचुएशन दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह बज गए हैं 8:29 और अभी फिलहाल मेरा नींद खुला, नींद तो बहुत पहले खुली आती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे जो गुजराती फैमिली है भाई, उन्होंने तो डिस्टर्ब कर रखा था, बात हर बात की हुई तेज तेज से। एक्चुअली गलती उनकी नहीं है, उनकी कल्चर में उनकी लैंग्वेज में एक अच्छी है, मतलब उनकी लैंग्वेज ऐसा लगता है वो डांट के बोल रहे हैं, मतलब प्यारे थे, बहुत प्यारे थे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ गुजराती फैमिली बेकार थी। तो फिलहाल फिर बाहर का टेम्परेचर है 27 और अभी मैं आप बांद्रा अवध एक्सप्रेस बाथरूम दिखाता हूँ कितना साफ है कितना नहीं। फिलहाल ये कुछ इस तरीके से इसका बेसिन पानी आ रहा है, क्योंकि पानी आ रहा है यहाँ रखा हुआ है ट्रेन थोड़ा सा चल रही है और ये आपका है रवि प्रताप सिंह। फिलहाल अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये बंदा डेली व्लॉगिंग करता है, ट्रेवलिंग करता है, जहाँ भी करता है आपको सारी एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो फिलहाल यहाँ अपना अर्निंग वर्क को कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आधे कुछ व्लॉग नहीं कर पाया, बाकी सारी चीजें आपको बताऊंगा रास्ते में। फाइनली अपनी ब्रश और फेस वॉशिंग इज कम्प्लीट, चलते हैं सीट पे, देखते हैं सोएंगे कि वीडियो एडिट करेंगे। पे हम लोग हैं गंगापुर सिटी, इसमें हम लोग राजस्थान में है ना। वेलकम है जी राजस्थान। क्या बात,
वेलकम है जी सवाई माधोपुर जंक्शन। विश्व प्रसिद्ध रत्न भवर गणेश जी दर्शन यात्री यहाँ उतरे। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका कोटा। और फिलहाल अभी तक मैं दूरी तय कर लिया हूँ, दोपहर के बज रहे हैं 12:35, 5-6 घंटे का रास्ता और है। बड़ोदरा जाना है मुझे। और ऐसा माना जाता है बैकग्राउंड में जैसे IIT और हेल्थ बैकग्राउंड में जैसे MBBS डॉक्टर लोग, ये कोटा पैदा करता है। और यहाँ कोटा में तैयारी करने वाले सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके दिन आपका सफर। ये है मेरा दूसरा नाश्ता भजिया जो कि 20 रुपए का प्लेट है। अच्छा ही दिया यार, इसको खाते हैं निपटाते हैं। और बाहर का नजारा है पोस्ट कोटा, कोटा जंक्शन। राम नाम रस बिनी चदरिया झीणी रे झीणी, राम नाम रस बिनी चदरिया झीणी रे झीणी। फर्स्ट टाइम आई डोंट नो गुजराती क्या है, ढोकला फोकला जो भी हो, नाम भी मेरे को नहीं पता। पर बहुत दिन से मन था, पिछले बार भी गुजरात गया था तो सोचा कि खाएंगे, लेकिन दोस्तों का फिर ज्यादा इंटरटेनमेंट हो गया, फिर उसके चक्कर में भूल गया। तो आज फिलहाल अकेले हूँ तो आज सोचा कि खा लें, ट्रेन में बिक रहा था तो देखते हैं, फर्स्ट ट्राई करते हैं। क्या भाभी जी अगर वीडियो देख रही है तो आपसे यही कह रहा था बनाने के लिए। भाई साहब खतरनाक सफाई चल रही है। तो वेलकम है जी रतलाम जंक्शन। तो फिलहाल अभी मैं हूँ रतलाम जंक्शन पे। तो यहाँ थोड़ा सा स्टॉपेज था तो बैर स्टेचिंग करने के लिए सोचा कि थोड़ा सा रोक लें। अष्ट कमल दल चरखा चा, किसी किसी स्टेशन पे इतना अच्छा सब डिजाइन स्ट्रक्चर बना रहते हैं ना, वैसे ही देखिए लग रहा है स्प्रिंग कार टाइप। अभी पीछे के स्टेशन गया, वहाँ मेक इन इंडिया का जो सिंबल नहीं होता है शेर वाला, वो सोचे रिकॉर्ड करने के लिए, बट काफ़ी दूर चला गया। फिर मेरी बोगी आगे आ गई। देखो यहाँ से बड़ोदरा आई थिंक 1 घंटे का रास्ता और है। अभी हम पहुँचे हैं दाहोद रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से बड़ोदरा सीधे आपसे बड़ोदरा मिलेंगे। और यहाँ कुछ दृश्य मिला जो कि मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए, मुझे अच्छा लगा तो आपको दिखा दिया। और रात का सीन है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी पुअर आ रही है, इसके लिए सॉरी। सोचा कि आपसे थोड़ा सा बात कर लें क्योंकि अभी फिलहाल मैं आधे घंटे में बड़ोदरा पहुंच जाऊंगा। एक्चुअली उसका पूरा नाम बड़ोदरा है, कोई बड़ौदा से बोलता है, पुराना नाम बड़ौदा था और नया नाम बड़ोदरा है। इसकी सारी कहानी मैं आपको इसी ब्लॉग में बताऊंगा सोवर करके, क्योंकि इस बार ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो फिलहाल अभी का है बाहर का टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस, और अंदर का भाई अपना तो एसी कंपार्टमेंट में, अंदर का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा चिल हो रहा है, तो फिर भाग भाग में बाहर आ रहा हूँ। और अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा देता हूँ अवध एक्सप्रेस का, जिसका ट्रेन नंबर है 1903 है, 1903 है। और इसकी बाथरूम की फिलहाल ये हाल है। मैं भाई अक्सर जहाँ भी आता हूँ बाथरूम का एवं जरूर दिखाता हूँ। लोग कहेंगे क्या यार क्या ब्लॉगिंग करते हो बाथरूम दिखाते हो, लेकिन ये अपना आई डोंट नो इससे बड़ा लगाव रहता है यार।
फ्लश है, थोड़ा सा लीकेज है, इसको सह लीजिएगा। तो फिलहाल देख सकते हैं 3 से 4 बार सफाई हुई है और यहाँ एक बार देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ कुछ इस तरीके से नजारा है, यहाँ भी अपना काम निपटाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, या तो सीधे बड़ोदरा में मिलते हैं या कहीं भी मिलते हैं देखते हैं। और भाई साहब एक चीज आपसे बता, मैं गुजराती फैमिली थी और 30 घंटे में किस तरह से गुजराती फैमिली के साथ पका, आई डोंट नो यार, बिलीव नहीं कर सकता। रात भर सब बात किए, दिन भर बात की, और भी उनकी लैंग्वेज इतनी तेज थी कि मैं क्या बताऊँ आपको कैसे 30 घंटे गुजारे, ये तो मैं जानता हूँ। आपको अभी नजारा दिखाता हूँ पेंट्री कार का जो रसोई आम है। फिलहाल इसका पेंट्री कार आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब आपका बेलगाम है गुजरात शहर में। ये बड़ोदरा के एक स्टेशन पहले गोधरा आई थिंक पड़ता है, वो गोधरा जंक्शन है। आने वाला है बड़ोदरा ही, 15 मिनट पहले हो जाए, क्या हुआ नहीं क्या अभी। वेलकम है जी बड़ोदरा, बड़ोदरा पहुंच गया, यहाँ से भैया हैं, भैया लेके जा रहे हैं। और बाकी ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल इच्छा नहीं है क्योंकि 30 घंटे ट्रेन में बिताना और शरीर को किस तरह से कष्ट देना, जस्ट आई एम नोइंग। तो फिलहाल अपनी सारी सामान और बाय बाय ट्रेन, 30 घंटे इसमें बिता दिए, बाय बाय। और बहुत अच्छी गुजराती फैमिली थी जिसको मैं बार बार ब्लॉग में बोला था कि पका रही थी, एक्चुअली पका ही रही थी क्योंकि लैंग्वेज मेरे को समझ नहीं आ रहा था, सीधे आपसे घर चल के बात करते हैं। फिलहाल ये कुछ नज़ारा है बड़ोदरा स्टेशन का, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, एक्चुअली ये जो है 19038 अवध एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3।